सुहानी और जीवन दोनों एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब करते थे और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सुहानी, आज ऑफिस के बाद डिनर डेट पर चलते हैं। ओके, मैं रेडी रहूंगी। फिर दोनों जल्द ही ऑफिस से काम निपटा लेते हैं और फ्री होते ही डिनर डेट के लिए निकल जाते हैं, जहां जीवन सुहानी को एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जाता है, जहां इन दोनों के सिवा कोई भी नहीं होता और बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन होती है वहां पे। यार, यहां तो कोई है ही नहीं। आई थिंक किसी ने ऑलरेडी बुक करके रखा है। हमें क्या करना है, हम तो खाना खाने आए ना, अब खा के ही जाएंगे। लेकिन कुछ नहीं, बैठो। फिर जीवन सुहानी को कुर्सी पर बैठा देता है और अपने पास से गुलाब और जेब से अंगूठी निकालता है। सुहानी, मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। बोलो। I love you so much, सुहानी. Will you marry me? हाँ जीवन, श्योर, I love you too. इसके बाद दोनों अपने घर पर ये बातें बताते हैं और दोनों परिवार की सहमति से दोनों की शादी भी हो जाती है। इसके बाद दोनों वापस से शहर में आ जाते हैं ताकि अपने काम को कंटिन्यू कर सकें। यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, हमारा सपना सच हो गया, हम दोनों साथ रह रहे हैं। हाँ यार सुहानी, मुझे तो लगता था कि हमारे घर वाले कभी मानेंगे नहीं। सब भगवान की कृपा है, सब सही हो गया। अब एक काम करो, तुम आटा गूंदो, मैं रोटी बना देती हूँ। मैं आटा लगाऊं? सीरियसली? हाँ ना यार, हम दोनों को ही ऑफिस जाना है, अकेले मैं काम करने लगी तो लेट हो जाऊंगी ना। अच्छा ठीक है, आज करवा दे रहा हूँ, कल से जल्दी उठकर काम कर लेना यार, मुझसे नहीं होगा ये सब। अरे हम दोनों वर्किंग है तो दोनों को ही करना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे नहीं होगा। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, हम दोनों वर्किंग है तो हम दोनों नहीं करते काम। अब ठीक है, इतना कमाते हैं तो कुछ पैसों में नौकरानी रखकर उससे भी करवा सकते हैं, हम दोनों को आराम मिल जाएगा। ओ माय हबी, ये ठीक रहेगा। फिर सुहानी जीवन को हक कर लेती है, बस बस अब ऑफिस चलो वरना देर हो जाएगी। इसके बाद दोनों तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं अगले ही दिन एक सुंदर सी औरत सुहानी के घर आती है। यस मैम, कहिए कौन है आप? मैं चंपा मैम साहब, मुझे साहब ने काम के लिए बुलाया था। ओके ओके, आओ तुम्हें मैं काम समझा देती हूँ। इसके बाद सुहानी चंपा को हर एक काम अच्छे से समझा देती है। वहीं जब जीवन कमरे से बाहर आता है और चंपा को देखता है तो एक पल के लिए वो उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता है। चंपा सच में दिखने में सुहानी से भी खूबसूरत थी। क्या देख रहे हो जी, ये नई नौकरानी है चंपा, आपने ही बुलाया था ना? हाँ, तुम इसे काम समझा दो और चंपा आज से ही काम पे लग जाओ। इसके बाद जीवन वहाँ से चला जाता है, वहीं सुहानी भी चंपा को काम समझा कर चली जाती है। वहीं जीवन को कहीं ना कहीं चंपा की खूबसूरती भी भा जाती है। अब चंपा रोजाना आके सुहानी के घर का सारा काम करती है और घर संभालती है, और जाने अनजाने में वो जीवन के ऊपर भी डोरे डालती है। ऐसे ही एक दिन जब जीवन की तबीयत ठीक नहीं होती। यार आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं रुक जाती हूँ। नहीं नहीं, आज तो इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना, तुम जाओ, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। और चंपा है ना, कुछ चाहिए होगा तो मैं उससे मांग लूंगा। ठीक है। फिर सुहानी ऑफिस चली जाती है। वही शाम में जब सुहानी घर आती है, मेम साहब बहुत बुरे हैं। क्या हुआ चंपा? इन्होंने मेरी इज्जत लूट ली, मैं कहीं की नहीं रही मेम साहब, मैं साहब के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जीवन ये क्या कह रही है? अरे नहीं डार्लिंग, मुझे नहीं पता ये क्या करी है, अरे सब झूठ है। हम गरीबों के साथ गलत करके तो हमें ही दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन मैं दबने वाली नहीं हूँ, मैं कोर्ट में जाके इंसाफ मांगूंगी, मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। चंपा रुक जा। जीवन की बदनामी ना हो इसलिए सुहानी चंपा को घर में ही रख लेती है और उसकी देखभाल करने लगती है।
वहीं अब चंपा मालकिन की तरह सुहानी पर हुक्म चलाती है और जीवन और सुहानी चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते। वहीं सुहानी अब जीवन से बात तक नहीं करती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। हे भगवान, 5 महीने बीत गए, सुहानी कब मुझसे बात करेगी? मैंने जो गलती नहीं की है उसकी भी सजा मुझे क्यों दी जा रही है? भगवान, प्रभु, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। इस तरह जीवन बहुत ही परेशान हो जाता है। क्या सच में चंपा के पेट में जीवन का बच्चा था? आखिर क्या हुआ उस दिन चंपा और जीवन के बीच में? देखने के लिए वेट फॉर पार्ट 2।